हेलो फ्रेंड्स, आज हम दोस्तों पढ़ेंगे लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि फ्लेमिंगो बुक क्लास 12 की एक स्टोरी है। इसे लिखा था दोस्तों एनी जंग ने। इसमें दिखाया है दोस्तों दो तरह की स्टोरी। बेसिकली उन्होंने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था स्टोरी ऑफ स्टॉलिन चाइल्डहुड, जिसमें दो तरह की स्टोरीज दिखाई गई हैं। तो पहले स्टोरी को हम पार्ट वन में कवर करेंगे और दूसरे को पार्ट टू में। दोनों कहानियों में गरीबी और कैसे लाचार लोग होते हैं और कैसे उन्हें जीना पड़ता है किसी तरह, यह दिखाया गया है। तो आइए दोस्तों हम पार्ट वन की शुरुआत करते हैं, जिसका टाइटल दिया गया था सम टाइम आई फाइंड अ रूपी इन द गार्बेज। इस कहानी की शुरुआत में दिखाया जाता है दोस्तों एक लड़के से जिसका नाम होता है साहेब। साहेब दोस्तों एक गार्बेज चुनने वाला लड़का होता है, जिसे ऑथर डेली देखा करती थी। वह कचड़े से जा कर के कुछ प्लास्टिक वगैरह या फिर कुछ सामान चुनता था, जिसे रैग पीकर भी कहते हैं इंग्लिश में। अब ये जो चुनने वाला बच्चा होता है, यह बांग्लादेश का होता है। बांग्लादेश में काफ़ी सारे फ्लड्स आए, स्टॉर्म्स आए, जिससे इनका घर तबाह हो गया और इनके कारखाने भी तबाह हो गए। और इस कारण उसे कोई काम नहीं मिला, तो ये लोग इंडिया भागकर आ गए कि ताकि इन्हें कुछ रोटी खाने को मिल जाए। अब ये जो साहिब है दोस्तों, वो कचड़ा से सामान चुन रहा होता है, तभी ऑथर बोलती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वह बताता है कि मेरा यही काम है, मैं बांग्लादेश का पूरा कहानी बताता है दोस्तों, जो मैंने अभी आपको बताई। तब वो कहती है कि तुम स्कूल क्यों नहीं जाते, तुम्हें तो अभी पढ़ना चाहिए, तुम्हारी उम्र तो पढ़ने की है। तब वो कहता है दोस्तों कि हमारे पड़ोस में कोई स्कूल नहीं है। तब ऑथर कहती है कि क्या तुम मेरे स्कूल में आना पसंद करोगे जब मैं स्कूल खोलूँगी। वो बोला बिल्कुल, आप खोलिए एक स्कूल, मैं आऊँगा। कुछ दिनों बाद दोस्तों वो लड़का फिर से आता है और कचड़ा चुन रहा होता है कि तभी ऑथर उन्हें दिखती है और वो लड़का पूछता है क्या आपका स्कूल बन गया मैम। तब ऑथर को काफ़ी ज़्यादा एम्बैरेसमेंट या हताशपूर्ण से बोलती है कि देखो बेटा, स्कूल इतनी जल्दी नहीं बना करते। पर ऑथर को भी पता था कि वो स्कूल बना नहीं पाएगी, उसके पास उतना पैसा नहीं है कि वो एक स्कूल ही खड़ा करते। पर वो उससे पूछती है, टॉपिक चेंज करती है और कहती है बेटा तुम्हारा नाम क्या है। तो वो बताता है कि मेरा नाम साहेब है। उसका नाम सुनकर ऑथर दंग रह जाती है, क्योंकि साहेब का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, यानी कि दुनिया का राजा। और आज इसकी हालत ये है, अगर ये जानेगा कि इसके नाम का मतलब इतना महान है तो इसे कितना बुरा लगेगा। इसके बाद ऑथर उसे पूछती है कि तुम कोई जूता क्यों नहीं पहनते, तुम बेयर फुट क्यों घूमते हो और डेली तुम यहाँ आके गार्बेज चुनते हो। तब वे सारे बच्चे एक ही एक्सक्यूज़ देते कि हमें जूता पहनना पसंद नहीं है, पर वो इससे अपनी गरीबी छुपा रहे होते हैं, इतना ऑथर को पता होता है। इसके बाद ऑथर जो होती है वो खोज पड़ताल में निकल जाती है कि ये लोग रहते कहाँ हैं, कहाँ से आते हैं। तब उसे पता चलता है कि ये लोग सीमापुरी नाम की एक जगह, जो दिल्ली के कुछ दूर पे हैं, वहाँ पे रहते हैं। वो जगह दिल्ली से बिल्कुल विपरीत है, वो काफ़ी गरीब जगह है। वहाँ पे छोटे छोटे घर हैं जो कि छप्पर के बने हुए हैं, और किसी तरह ये रिफ्यूजीज़ की तरह रहते हैं, क्योंकि ये आए थे बांग्लादेश में जब वॉर चल रहा था 1971 में, तब ये भागकर यहाँ पे आ गए थे। और अराउंड 30 साल, यानी कि आज का टाइम है 2001 या 2002 का, अराउंड 30 साल से ये यहीं पे रह रहे हैं रिफ्यूजीज़ की तरह, और किसी तरह अपना गुजर बसर कर रहे हैं। इसके बाद ऑथर एक महिला से मिलती, ऑथर उस लेडी से पूछती है कि आप लोग बांग्लादेश से यहाँ क्यों आ गए उतने बड़े कारखानों को छोड़ करके। तब वो लेडीज़ बताती हैं कि वहाँ पे वॉर चल रहे थे और वहाँ पे कुछ था ही नहीं खाने को, हम भूखे मर रहे थे, इसलिए हम लोग भागकर यहाँ पे आ गए हैं। वहाँ पे हम खेतों में चाहे जितना मेहनत कर ले कुछ उगता ही नहीं था, और काफ़ी ज़्यादा विकट परिस्थिति आ गई थी, इसलिए हम लोग यहाँ पे आ गए हैं। कम से कम यहाँ पे हमें कचड़े में से चुन चुन कर कुछ खाने को मिल जाता है, उससे बेच कर कुछ पैसे मिल जाते हैं।
और हम इसी तरह जी रहे हैं, और हमारे बच्चे भी यह सब देखकर धीरे धीरे सीख गए हैं कि कैसे कचरे में से कुछ कुछ ढूंढकर निकालना है, और वो अब बड़े हो रहे हैं यही सब सीख करके। इसके बाद ऑथर साहब से पूछती है, तो साहब बताता है कि उसे कभी कभी 1 रुपये का सिक्का भी इसमें से मिल जाता है, और कभी कभी तो 10 रुपये का नोट भी। यह सब बातें सुनकर ऑथर जान जाती है कि ये इतना खुश क्यों रहते हैं उस कार्बेज से, क्योंकि उन्हें कुछ पैसे जब मिल जाते होंगे तो उन्हें लगता होगा कि हमें भगवान मिल गया, और वो और भी उससे कचड़े को ढूंढते रहते होंगे, और इसमें इसे मज़ा भी आता होगा। और आज जब ऑथर नोटिस करती है तो साहेब के पैर में एक फुटवेयर है जो कि टेनिस फुटवेयर है, यानी कि जूता है टेनिस खेलने वाला, जिसमें से एक छेद है। तो साहेब कहता है कि देखो मैं कितना अच्छा लग रहा हूँ। ये सब देख करके वो काफ़ी आश्चर्य होती है कि जो बच्चा हमेशा बिना जूते के रहा हो उसके लिए तो ये जन्नत ही होगा। यह सब ऑथर सोचती है कि तभी वो देखती कि साहेब ऐसो टेनिस खेल रहे लड़कों को देख रहा होता, और वो कहता है कि कितना अच्छा होगा टेनिस खेलने में। पर ऑथर ये बात जानती है कि यह सपना उसका कभी साकार नहीं होगा, उससे पहुंच से काफ़ी ज़्यादा दूर है ये सपना कि वो कभी टेनिस खेल पाएगा। इसके बाद साहेब चला जाता है। दूसरे दिन साहेब को जब ऑथर देखती है तो वो देखती है कि वो एक टीन का डब्बा लेकर जा रहा है, और वो केतली की तरह दिख रहा था। तब वो पूछती है कि तुम ये दूध का कंटेनर कहाँ लेके जा रहे हो? तब वो बताता है कि मैं अब एक टी स्टॉल पे काम करता हूँ। और ये सब देखकर ऑथर समझ जाती है कि उसके चेहरे पर वो खुशी नहीं है जो वो कचड़ा चुनने वक्त उसके हाथ मतलब फेस पे रहा करती थी, पर अब वो खुशी उसके चेहरे पे नहीं है। उसने अपनी सारी फ्रीडम खो दी थी, और वो कंटेनर इतना भारी हो गया था उसके मन में, पर वो अब क्या करता, अब वो गुलाम हो चुका था मालिक का, और जैसा उसका मालिक करता था वैसा वो कहता था, अब वो फ्री नहीं था। और यहीं पे दोस्तों हमारी पहली स्टोरी ख़त्म होती है। अब हम नेक्स्ट स्टोरी में जाएंगे, यानी कि पार्ट 2 में, जिसका नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार, यानी मैं एक कार चलाना चाहता हूँ। यह कहानी दोस्तों मुकेश की है। ये मुकेश का एक सपना है कि वो एक मोटर मैकेनिक बने, पर ऑथर ये बात जानती है कि वो कभी मोटर मैकेनिक नहीं बन सकता, क्योंकि उसके लिए काफ़ी ज़्यादा सीखना पड़ता है और एक गैराज भी रखना पड़ता है, तो वो उस लेवल तक नहीं पहुंच सकता। वो फिरोज़ाबाद में एक जगह पे रहता है, उत्तर प्रदेश में पड़ता है दोस्तों ये फिरोज़ाबाद, जहाँ पे मुकेश रहता है। फिरोज़ाबाद में वो बैंगल इंडस्ट्री में काम करता है और बैंगल्स बनाता है। वैसे देखा जाए तो फिरोज़ाबाद में बैंगल्स ही काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं, यानी कि कांच के बैंगल्स। पर वहाँ पे उस बनाने के लिए जो मजदूर होते हैं दोस्तों, उनके बच्चे भी यही काम करते हैं, पर ये इलीगल है। अगर कोई लॉ इन्फोर्स हो जाए तो इन बच्चों का बचपना बचाया जा सकता है, जो कि आग की भट्टी में कांच के बैंगल्स बनाने में बर्बाद हो रहा है। ऑथर ये सब जहाँ सोच रहे होते हैं, जहाँ देख रहे होते हैं, वो वहाँ पे देखते हैं कि वहाँ पे 20,000 बच्चे काम कर रहे हैं, और उनकी आँखें भी अब कमज़ोर हो चुकी है, आई साइट उनकी जाने लगी है, और ये सब गलत है। उसके बाद वो मुकेश के साथ उसके घर चले जाते हैं, जो कि फिरोज़ाबाद में ही है। जब ऑथर मुकेश के घर पहुँचती है, ऑथर देखती है कि वहाँ पे एक स्लम एरिया, यानी कि गली कुचेली, और काफ़ी ज़्यादा गंदगी है वहाँ पे जहाँ पे मुकेश का घर है। मुकेश का घर एक मामूली सा छप्पड़ बना हुआ था, और पूरी मिट्टी का घर था। मुश्किल से उसमें अब जान बची थी उस घर में जहाँ पे मुकेश रहा करता था। ऑथर वहाँ पे देखती है कि एक औरत चुपचाप वहाँ बैठकर खाना बना रही होती है। वो मुकेश की भाभी होती है, और वो कुछ भी कहे बिना चुपचाप कोयले से खाना बना रही होती। इसके बाद ऑथर मुकेश के फादर से मिलती है, जो कि पहले टेलरिंग का काम किया करते थे, पर वो फेल हो जाता है दोस्तों, और वो काफ़ी ज़्यादा मुसीबत में आ जाते हैं। उसके बाद वो बैंगल्स के
कारखाने में काफ़ी ज़्यादा वर्क करते हैं और बैंगल्स बनाने में रहते हैं, और अब उसके परिवार की स्थिति थोड़ी सुधरती। उसके पिताजी को एक दुख होता है दोस्तों कि वह अपने गरीबी के दिनों में अपने दोनों बच्चों को पढ़ा नहीं पाए और सिर्फ उसके बच्चे यही देख पाए हैं कि उसके पापा किस तरह मेहनत से कांच के बैंगल्स बनाते हैं, और इससे वो सिर्फ अपने घरों को किसी तरह चला सके हैं। इसके बाद ऑथर उसकी एक दादी से मिलती है, मुकेश की दादी से, तो वो बताती है कि हमारा तो डेस्टिनी में यही है, हम इसी कास्ट में पैदा हुए हैं और हमारा जीवन ही बैंगल्स बनाने में बीत जाएगा। इसके बाद वो यह भी बताती है कि अब मुकेश को बस यही आता है, तो वो मुकेश और बाकी सारे लड़के भी यही सब काम कर सकते हैं। इसके बाद ऑथर एक लड़की को देखती है जो कि काफ़ी तेज़ी से ये काम कर रही होती है बैंगल्स बनाने का, और उसे यह पता भी नहीं होगा कि ये बैंगल्स जो है वो सुहाग की निशानी होती है, औरतें इसे क्यों पहनती है, वो इतनी छोटी होती है पर इतनी तेज़ी से काम कर रही होती है, जिसे देखकर ऑथर आश्चर्यचकित रह जाती है। उसी लड़की के बगल में एक बूढ़ी औरत भी बैठी होती है और वो बताती है कि हमें काम करने दो वरना हम पेट भर खाना भी नहीं खा पाएंगे। और उसके बगल में एक आदमी होता है जो उस बच्ची का बाप होता है, वो कहता है कि मुझे बस यही काम आता है और इससे मैंने पेट काट काट के किसी तरह मेरा घर बनाया है। यह सब बातें सुनकर ऑथर को काफ़ी बुरा तो लगता है दोस्तों, पर वो क्या करे, और उनके पास भी ज़्यादा पैसा नहीं है कि वो कुछ नया बिजनेस स्टार्ट कर सके, इसलिए वो बैंगल्स बनाया करती हैं। यह सब बातों को देख करके ऑथर को बुरा लगता है, तो वो किसी वहाँ के एक आदमी को पूछती है कि आप इस जो बैंगल को बना, ऑथर कहती है कि क्या आपको पता है कि बैंगल्स मेकर कितना प्रॉफिटेबल बिजनेस है, पर आप लोग ये जो मिडिल मैन के चक्कर में पड़ते हैं ना, इस कारणवश आप इतना गरीब हो गए हैं। मिडिल मैन काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट कमाता आपकी मेहनत से, तो आप प्लीज़ मिडिल मैन के चक्कर में ना पड़े। पर वो आदमी कहता है कि अगर हम मिडिल मैन से बगावत कर भी देते हैं तो वो हमें पुलिस से पकड़वा देगा और जेल में भेज देगा, पुलिस उसी की बात मानेगी और हम मजबूर होकर चले जाएंगे जेल में, इसलिए हम उससे बगावत नहीं करते। ऑथर उन्हें कहती है तो आप एक काम करें, आप अपना एक लीडर बना लें जो कि आपकी समस्याओं को समझे। तब वो लोग कहते हैं हमें लीडर बना लिया था पर इससे कोई फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि पुलिस बिकी हुई है इन मिडिल मैनों के साथ और उनका भी शायद कोई प्रॉफिट होगा, इसलिए वो हमें ही टॉर्चर करती हैं, आप प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। यह सब सुनकर ऑथर को काफ़ी बुरा लगता है, पर वो कुछ कर नहीं सकती है और वो बस इतना ही सोचती है कि यह दुनिया जो है वो दो तरह के लोगों से बनी हुई है, एक जो अपनी गरीबी से समझौता कर चुके हैं, यानी वो सोचते हैं कि अगर हम बैंगल बनाने वाली कास्ट में हुए हैं तो हमारा बचपन से बस यही काम है कि हम किसी तरह बैंगल्स बनाएं और मिडिल मैन को बेच दें, और ये लोग अपनी कास्ट को लेकर के काफ़ी ज़्यादा दिक्कत में इसलिए हैं क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा गरीब हैं, और ये इतने गरीब हैं कि ये कुछ नया बिजनेस करने का सोच भी नहीं सकते क्योंकि इनकी रोटी छिन जाएगी और ये भूखे मर जाएंगे, इससे अच्छा है कि ये चुपचाप बैंगल्स ही बनाते हैं और अपने चीज़ों से समझौता कर चुके हैं। और दूसरे वो तरह के लोग होते हैं जो मिडिल मैन, जो इन्हें दबा कर किसी तरह पैसे ले लेते हैं और बैंगल्स ले लेते हैं और थोड़े से पैसे दे करके और इनके बैंगल्स को प्रॉफिटेबल बिजनेस में बेचते हैं, काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं उससे। और ये सब जो लोग होते हैं वो अब अपनी हालत से समझौता कर चुके हैं, इन्हें ये चीज़ें जीने की आदत हो गई है कि चुपचाप बैंगल्स बनाना, पर मुकेश को देखकर उन्हें एक उम्मीद की किरण नज़र आती है ऑथर को, और कहते हैं कि मुकेश जैसे लोग ही अपनी ये जो डेस्टिनी है उसे बदल सकते हैं, और उनका जो ये मुकेश का जो सपना है ये बहुत अच्छा है कि वो चाहता है कि वो एक कार मैकेनिक बन सके। फिर ऑथर सोचती है कि आखिर मुकेश जो है वो मैकेनिक क्यों बनना चाहता है, तब वो देखती है कि ये जो उत्तर प्रदेश की सड़कों पे जो अच्छे अच्छे कारें चल रही हैं शायद इससे
मुकेश को लगा हो कि मैं इसे ठीक करूं और कुछ पैसे कमाऊं, ये अच्छी सोच है, ये ऑथर को लगती है। और यहीं पे दोस्तों यह स्टोरी ख़त्म होती है। आपको मेरी एक्सप्लेनेशन कैसी लगी हमें कमेंट में बताएं, और आपने मुझे पूरा सुना इसके लिए थैंक यू दोस्तों। मैं आपसे मिलूँगा नेक्स्ट स्टोरी में। प्लीज़ सब्सक्राइब।